तो सब कुछ बिल्कुल बढ़िया चल रहा था। मैं रूट नोट पे अपना सॉन्ग अपलोड कर रहा था तो कुछ ही दिनों बाद मेरे को एक ईमेल आया जहाँ पर मेरे को पता चला कि मेरा सॉन्ग जो है अपलोड हो चुका है। मैंने उस ईमेल को खोला, जैसे ही मैंने खोला तो मेरे को पता यहाँ पर क्या चलता है कि मेरा सॉन्ग तो रिलीज हो गया है, अप्रूव हो गया है, लेकिन उसमें से कॉन्टेंट आईडी हटा दी गई है। मतलब कि मेरा सॉन्ग एलिजिबल नहीं है इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, साथ ही साथ यूट्यूब पे लाइव होने के लिए। यानी कि कोई भी मेरा सॉन्ग अगर यूज़ करता है यूट्यूब पे तो उसको विदाउट एनी कॉपीराइट क्लेम वो फ्रीली यूज़ कर पाएगा और मेरे को उससे लॉस होगा। तो अब आपको कंटेंट आईडी को वापस किस तरह से लेना है, अपना सॉन्ग इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे वापस से पहले की तरह कैसे डालना है, आओ बात करते हैं। सो हे गाइस, आई एम सुशांत सिंह एंड यू आर वाचिंग सुशांत सिंह म्यूजिक यूट्यूब चैनल, जहाँ पर हम बात करते हैं म्यूजिक के बारे में। और आज हम म्यूजिक से रिलेटेड ही एक टॉपिक लेकर आया हूँ, मैं लेकर आया हूँ टॉपिक रूट नोट का। तो बिना कोई टाइम वेस्ट करिए चलते हैं वापस से उसी मेल में जहाँ से ये वीडियो स्टार्ट हुई है। तो ये है वो मेल। सबसे पहले तो मेरे को यहाँ पर खुशखबरी दी गई है कि मेरा सॉन्ग जो है अप्रूव हो गया है डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। लेकिन अगर हम थोड़ा नीचे आए तो इम्पोर्टेंट सेक्शन में लिखा है, वी हैव हैड टू रिमूव यूट्यूब कॉन्टेंट आई डी प्रोग्राम फ्रॉम दिस रिलीज। मतलब की इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब के लिए मेरा सॉन्ग रेडी नहीं है। वही अगर हम थोड़ा नीचे आए तो यहाँ पर हमको एक लिंक दे रखा है जहाँ पर हमको फॉलो करना है, और यही वो चीज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको उसमें लिखना क्या है। तो मैं इस फॉर्म पे क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ पर मैंने इसको न्यू टैब में ओपन कर लिया है। तो ये जो है मेरा फॉर्म खुल चुका है और यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि इस फॉर्म को आप किस तरह से फिल कर सकते हो और किस तरह से एलिजिबल बना सकते हो अपने रिलीज को। सबसे पहली बात, अगर आप इस फॉर्म को भरने जा रहे हो तो मेक श्योर कि वो सॉन्ग आपका ही है या फिर जिससे भी आपने बनाया है उसने आपको परमिशन दी है कि हाँ उस सॉन्ग को आप फ्रीली यूज कर सकते हो। तो सबसे पहली चीज आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा यूजर नेम, और यहाँ पर आप लिखोगे रूट नोट का यूजर नेम। तो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर फॉर ट्रायल में लिख लेता हूँ योर नेम, तो ये मेरा यूजर नेम हो गया। उसके बाद यहाँ पर दे रहा है कि यूजर आईडी, तो यूजर आईडी में आपको यूजर नेम को दोबारा कॉपी पेस्ट कर लेना है। तो यहाँ पर मैं अगेन लिख लेता हूँ योर नेम। उसके बाद यहाँ पर पूछ रहा है कि मेरे को एक ईमेल एड्रेस डालना है, तो चलो मैं अपना बिजनेस वाला ईमेल एड्रेस ही डाल देता हूँ। उसके नीचे यहाँ पर ये पूछ रहा है कि यूपीसी यहाँ पर डालो। अब यूपीसी क्या चीज़ होती है, तो अगर मैं यहाँ पर किसी भी रिलीज की अपनी रिलीज डिटेल्स में जाऊँ तो यहाँ पर आप देखते हो कि यहाँ पर यूपीसी दिखा रहा है। अभी नंबर मैंने ये ब्लर कर रखा है बिकॉज आई डोंट वॉन्ट कि कोई भी इसको देखे। सो जस्ट आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए, कंट्रोल सी करके आप इसको कॉपी कर लीजिए, और ये कुछ डिजिट्स का नंबर होता है उसको जस्ट आपको यहाँ पर आके जो है पेस्ट कर देना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं 1234 लिख रहा हूँ। आगे यहाँ पर पूछ रहा है प्लीज टेल अस व्हाई यू बिलीव दैट योर रिलीज इज एलिजिबल फॉर कंटेंट आईडी सर्विसेज। तो हमें बताइए कि आपको क्यों लगता है कि जो आपकी रिलीज है वो एलिजिबल है। तो उसके लिए मैं आपको देने वाला हूँ एक मैसेज जो कि आप यहाँ पर लिख सकते हो, जस्ट कॉपी पेस्ट कर देना, कोई दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। तो ये है वो मैसेज जो आपको जस्ट कॉपी पेस्ट कर देना है इस सेक्शन में, और यहाँ पर क्या लिखा है ये आप देख सकते हो। तो इन तीन रीज़न के साथ आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पर बोल रहा है कि एनी फर्दर इन्फॉर्मेशन, इसको आप ब्लैंक छोड़ दीजिए एंड जस्ट क्लिक ऑन द सबमिट बटन। तो मैं आपको बता दूँ इसको लगने वाला है थोड़ा टाइम, मे बी एक हफ्ता लगेगा, मेरे को तो एक हफ्ता लगा था। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरे को क्या ईमेल आया जब मैंने ये सारी डिटेल्स रूट नोट को दे दी। तो ये मैंने एक दूसरा ईमेल खोल दिया है जो कि मेरे को आया आफ्टर सबमिटिंग दैट फॉर्म। तो यहाँ पर लिखा है थैंक्स फॉर कॉन्टैक्टिंग अस वाया द कॉन्टेंट आई डी डिस्प्यूट फॉर्म, जो मैंने फॉर्म अभी भरा। आई हैव रिव्यूड योर रिलीज एंड कैन कन्फर्म दैट वी कैन नाउ क्लियर दिस फॉर कॉन्टेंट आई डी सर्विसेज एंड दिस रिफर्स टू यूपीसी, जो भी आपने यूपीसी डाली थी। और उसके नीचे लिखा है कि दिस शुड अपियर ऑन स्टोर्स विद इन अ कपल डे। मतलब कि ये सिंपल सी बात ये बोल रहे हैं कि मैंने रियलाइज कर चुका है कि हाँ ये आपने ही बनाया सॉन्ग और ये कॉन्टेंट आई डी के अगेंस्ट नहीं जाता है, तो मैं इस सॉन्ग को कॉन्टेंट आई डी दे दे रहा हूँ और कुछ ही दिनों में ये जो है बाकी सब स्टोर्स में भी अवेलेबल हो जाएगा जहाँ पर अभी तक नहीं हुआ है। तो इसी तरह से आपको इसको सॉल्व करना है कॉन्टेंट आई डी डिस्प्यूट को। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। बाय द वे वंस अगेन थैंक्स फॉर 800 सब्सक्राइबर्स। अभी 1K सब्सक्राइबर्स होने पे एक बहुत बड़ा गिव अवे आने वाला है, और उस गिव अवे में क्या होने वाला है वो तो 1K होने के बाद ही पता चलेगा। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए इट्स गुड बाय फ्रॉम मी, आई एम सुशांत सिंह फ्रॉम सुशांत सिंह म्यूजिक, साइन आउट।